इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है और इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 288 तक पहुंच गई है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री अभी भी घायल हैं जिन्हें शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स पे एडमिट कराया गया। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बालासोर में हादसे वाली जगह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। रेल मंत्री ने राहत बचाव में लगे लोगों से मुलाकात भी की और ट्रेन के ऊपर चढ़कर हालात का जायजा लिया। वही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे की हाई लेवल जाँच होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है रेस्क्यू के लिए। वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, वहीं एक तस्वीर ये भी आप देख रहे हैं कि जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और ट्रेन पर चढ़कर भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पहले मामले की हाई लेवल जांच होगी, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लोग अभी भी फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 288 तक पहुंच गया है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका अलग अलग हॉस्पिटल्स में उपचार चल रहा है। कल देर शाम यह हादसा हुआ, 6:30 बजे के आसपास जब यह हादसा हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। बता दें कि तीन रेल आपस में टकरा गई, जिनमें से एक मालगाड़ी है, 2 पैसेंजर ट्रेन है, और जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा पहले 50 आया, उसके बाद ये 70 पहुंचा, सुबह ये 120 था और अभी धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ के 288 तक पहुंच गया है। वहीं ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा और बढ़ सकता है ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जितना ये भयानक एक्सीडेंट हुआ, अब तक का सबसे ज्यादा ये भयंकर रेल एक्सीडेंट है। मौके पर चीख पुकार मच गई, चारों तरफ खून के निशान दिखाई देने लगे और एक दूसरे को लोग बचाने की भी, अपने परिजनों को बचाने की कोशिश भी करते नजर आए, वहीं एक मदद भी मांगते नजर आए। और आपको बता दें कि ट्रेन की हालत ऐसी है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना ज़्यादा भयंकर था, कितना ज़्यादा भयावह था और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर में मौजूद हूं और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। देखिए किस तरह से ये तस्वीर है, देखिए ये छोटे बच्चे की चप्पल, आप देखिए कि किस तरह, हालांकि इस बॉगी में मुझे लगता है कि किसी को कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन लोग जरूर यहां पर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चोटें आई होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तितर बितर यहाँ पर सामान है और यहाँ से निकाले गए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूँगा जहाँ पर आप देखिए कि लोग कि किस तरह से यहाँ बॉगी जो है, ट्रेन की जो ये बॉगी है, ये पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर, अब ये देखिए ये दोनों डिब्बे को जोड़ता है और इस दोनों डिब्बे के बीच का जो स्थिति है वो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये मुड़ गया है और इस जोरदार इतना टक्कर मारी गई थी उसको लेकर कि ये थोड़ा सा पटरी से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ झुकी हुई है और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो रात में रिजर्वेशन के अंदर जो होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से छत बिछत सामान हुई पड़ी है। लेकिन इस ट्रेन में अब देखिए यहाँ पर जो खाना पीना है वो भी शायद लोग रखे होंगे और जब जोरदार टक्कर लगी होगी तो लोग यहाँ पर किसी तरह से यहाँ से भाग करके नीचे कूदे होंगे। और यहाँ पर देखिए जो हादसा हुआ उस ट्रेन के अंदर से मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और क्या स्थिति है उसको मैंने आपको दिखाया। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, बालासोर।
देखिए अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने हैं, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूं कि जिस तरह से यहां पर लोग मौजूद हैं उससे लग रहा है कि अंदर जो है वो काफ़ी लोग यहां पर फंसे हुए हैं। और जिस जगह पे मौजूद हूं मैं, आप देखिए कि किस तरह से यहां पर मैं मौजूद हूं, वो मेन पॉइंट है जहां पर ये हादसा हुई थी, ये एक्सीडेंट हुआ था, ये रेल हादसा हुई। और अब मैं अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आपको मिले, लेकिन आप देखिए ये जो है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस है। और ये आपको मैं ये बताता हूँ कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, और ये जो मालगाड़ी है वो है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं जो इस रेल डब्बे से निकले। अब देखिए यहाँ से निकाला गया लोगों को, और किस तरह से यहाँ पर चाहे उनके कागजात हों या फिर उनके सूटकेस हों, इनके बैग हों, खाने पीने की चीज़ें हों, कई के पासबुक हो या फिर आधार कार्ड हो, ये सब यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है ये एक हादसा का मेन जगह है, ये यहीं पर। यहाँ पर किस तरह से आप देखिए कि ये जो मैं दिखा सकता हूँ कि ये मालगाड़ी के ऊपर किस तरह से शालीमार चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस उसके ऊपर चढ़ गई है। और वो जब लास्ट जब यहाँ से हुई तो ये यशवंतपुर एक्सप्रेस वे पर आकर के टिकी, और जो हालात हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह का ये हाल है और किस तरह का हादसा हुआ है। कि ये तस्वीरें अपने आप, यहाँ के सारे सामान लोग बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सामान लोग जो जाते हैं जब अपने घर छोड़ के बाहर कहीं पर, तो सामान लेकर के जाते हैं वो देखिए। और इधर मेरे सामने देखिए कि रेस्क्यू की टीम पूरी लगी हुई है। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था, एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा।